दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग छत की वाटरप्रूफिंग करते हैं और अक्सर फाइबर लगाने में गलती कर देते हैं। तो मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आपको इसमें बताऊँगा कि फाइबर कैसे लगाना है। यहाँ सेवन कोटिंग में एक ट्रीटमेंट हो रहा है इलास्टोमेरिक, जो ट्रीटमेंट हो रहा है इलास्टोमेरिक के जस्ट बाद दिए। इलास्टोमेरिक का सेकेंड ट्रीटमेंट है जिसमें फाइबर लगता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट में हमने प्राइमर लगा दिया है, सीमेंटेशन, यहाँ पर वाटरप्रूफिंग हो चुकी है। उसके बाद ये जो आप ब्लैक ब्लैक छत देख रहे हैं, ये इलास्टोमेरिक का फर्स्ट ट्रीटमेंट है और सेकंड ट्रीटमेंट में फाइबर लग रहा है। ये ग्लास का बना होता है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज़ में जो सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लगाते समय आप इतना ध्यान से लगाएं कि ये कहीं सिकुड़े ना। अगर ये सिकुड़ गया या इसमें फोल्ड आ गया माय डियर फ्रेंड्स, तो ये ग्लास का बना होता है, ये सही नहीं होता है, इसको आपको फेंकना पड़ जाएगा। तो इसको सबसे बड़ी चीज़ कि इसको सावधानी ये बरतनी है कि इसको कहीं फोल्ड होने नहीं देना है जब भी इसको आप यूज करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो इसको लगाया जाता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि केमिकल की पकड़ बहुत मजबूत होती है। जो ये केमिकल वाटरप्रूफिंग वाला कराई इलास्टोमेरी की लिक्विड रबड़ है, एयर के कांटेक्ट में आते ही एक तरफ से सॉलिड बन जाता है, फिल्म बन जाता है पॉलीमर का, जिससे सिलन और सीपेज आपके घर में नहीं जाता है। दूसरा इसमें ये होता है, बेनिफिट होता है कि ये इतना मजबूती से पकड़ बनता है और इसका लेयर इतना तरीके से लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, इसके अंदर एयर तक पास नहीं होता है। पानी तो दूर की चीज़ होती है, कितना भी बारिश हो जाए छत पर, कितना भी पानी आप रख सकते हैं। टेस्टिंग के टाइम हम लोग चेक करते हैं, 3 से 4 दिन पानी वैसे भी इस पर भर के रखते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता है। फाइबर का सबसे बेहतरीन यूज आपके छत पर ही किया जाता है। छत की 7 कोटिंग वाटर प्रूफिंग में 4th से 5th कोटिंग में ये फाइबर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमारा डेमो चल रहा था, डेमो में हमने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर मेरा 4000 स्क्वायर फीट का छत की वाटर प्रूफिंग करनी है। तो डेमो में 1000 स्क्वायर फीट करके देखा गया है और ये सक्सेस होता है। सक्सेस तो 100% हो जाता है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता है तो वो लोग डेमो कराते हैं। हमारी कंपनी डेमो भी कर देती है, इस पर आगे का काम शुरू होगा। तो लिक्विड रबड़ वाटर प्रूफिंग है, एक तरफ से मेम्ब्रेन है, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये फाइबर देखिए थोड़ा सा उठा हुआ है, ऐसे बिल्कुल नहीं उठने देना है। अगर ऐसे उठ जाता है, आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो वाटर प्रूफिंग फेल हो जाती है। जहाँ पर फाइबर उठेगा वहाँ पे केमिकल ठीक से इंजेक्ट नहीं हो पाएगा, और क्या होगा कि धीरे धीरे सीलन सीपेज वहाँ से जाने लगता है। इसका एक दूसरा फायदा मैं बता दूँ कि जिस छत पे इसको लगा दिया जाता है उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फाइबर होता है लिक्विड रबर से लगाने के बाद जब सूखता है तो एक तरफ से छत के हिस्सा ये बन जाता है। होता यह है कि जब छत का हिस्सा बन जाएगा तो जो छत पर क्रेक आते हैं, क्रेक वगैरह आता नहीं है। जब क्रेक नहीं आएगा छत पे, तो वहाँ से सीलन सीपेज आपके कमरे में नहीं जाएगा। जब भी आप इस पे ऊपर केमिकल लगाइए, ये एक जो आपको मैं दिखाया हूँ, ये थोड़ा भी एरिया बचना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, नहीं तो ये वाटरप्रूफिंग को फेल कर देता है। वाटरप्रूफिंग अक्सर फाइबर लगाने में जो गलती होती है उसी से ये वाटरप्रूफिंग फेल होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कंपनी की सर्विस पूरी दिल्ली और इंडिया में अवेलेबल है।